कर लिया था। चलो, और स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, अच्छा बताइए, बेस चेंज थ्योरम हो गया था? यस अच्छा चलो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दो फिर कीजिए। तो 81 का पावर 1/log 3/5 प्लस 27 का पावर log 36/9 अब प्लस 3 का पावर 4/log 9/7। अच्छा, ये हुआ है ना, a का पावर log b बेस सी बेस ए सी होगा, ये तो करवा चुका हूं। यस सर। हाँ ठीक है, बस ये सब तो हो चुका है काफी। हाँ हुआ। चलो देखो, इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, हमको देखो जो भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं पहले। तो अक्सर ये 1/log का समथिंग है, वो कुछ हमको परेशान कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको 181, इसको log 5/3 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ऐसा ये जो इसको ऐसा लिखा, सही लिखा या गलत? सही सो सही है। है ना। अब देखो, अब इसको ये क्या है, 27, तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया log 36/9। अब इसको क्या लिखो, 3 का पावर 4 क्या लिख दे बताओ तो, log बोलो बोलो लॉग log 7 का बेस। सेवन बेस 9। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हमने ऐसा कर दिया, अब देखो क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो 3 का पावर आ सकता है, देख रहा है ना, मतलब यहाँ पे बेस में 3 आ सकता है और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है। तो हमको पूरी कोशिश रहेगी इसको 3 बनाने का। तो हम क्या कर दे, इसको 3 का पावर 4 कर दिया।
और उसका पावर क्या हो जाएगा, लॉग 5 बेस 3। और इसको फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 3 बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी 3 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a का पावर लॉग a बेस b सिंपली कितना हो जाएगा, b। तो इस ये चीज हम लोग पूरी तरह से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या करें, इसको हम कर देंगे 3 का पावर 3, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, 36, और ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 कर सकते हैं। और यहां पे क्या आया, 3 का पावर 4 into log 7, ये 3 का पावर 2 कर सकते हैं। अब देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 log 5 base 3 आ जाएगा। तो अगर ऐसे होगा m log x base a, तो ये m ऊपर की तरफ आ जाता है। तो अगर मैं बोलूं तो ये इफेक्टिवली 3 log 5 का पावर 4 base 3 हो जाएगा क्या ये चीज? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब ये भी वही होगा। तो ये जो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको एक स्टेप और कर देते हैं, क्या पता, तो 3 का पावर 3/2 log 36 base 3। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ जी, चलो अब ये क्या हो गया देखते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 का पावर, ये 4/2 आ गया। तो यहाँ पे 4/2 log 7 base 3। अब क्या ये हो जाएगा, 625, 5 का पावर 4। इसको थोड़ा सा ठीक से कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 625। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 36 का पावर 3/2, और प्लस ये 7 का पावर 2। तो ये 625, और ये कितना दिख रहा है, तो 6, तो 216। अब प्लस 49 सम कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में बात? किसी को पूछना है इस क्वेश्चन में? नहीं, चलो सर। वो सेकंड लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए ना सर, ये वाला। यस सर, सेकंड लास्ट स्टेप। 625 कैसे लिखा? अच्छा ये देखो ना, a का पावर log b बेस से, ये सब वो बेस कट जाएगा सर उसके बाद, कटेगा नहीं, मतलब वैल्यू उस वही चीज। हां यस सर। तो ये 5 का पावर 4 कर दिया ना, 5 का पावर 4 कितना होगा सर? 625। हां 36 का पावर 3/2, तो पहले स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। और ये 2 हो जाएगा, तो 7 का पावर 2, तो 49। ठीक है, यस सर, समझ गए सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। log 9 बेस 6 माइनस log ऑफ 27 बेस 9 प्लस log ऑफ x base 8 equal to log of x base 64 minus log of 4 base 6। तो आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू। अगर मैं ऑप्शन देना चाहूं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, मान ले दे देता हूं, मेरे पास अवेलेबल है। तो 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16।
बोलिए। सर वो log x64 माइनस का लिखे हैं क्वेश्चन लॉग में? 4 बेस 6 नहीं हाँ दिख रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, लॉग 4 बेस 6 तो लॉग एक्स को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो और देखो दूसरा चीज क्या, अगर हमको कुछ भी ऑपरेट करना है तो बेस हमेशा सेम रखना होगा, ठीक है? डिफरेंट बेस पे हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो क्या है, log 9 बेस 6। चलो अभी कर रहे हो क्या आप लोग क्षितिज? हाँ सर कर रहे हैं। ठीक है जल्दी करो। तो नहीं हुआ जी? ईशान ईशान, अच्छा प्रिया यस सर, हो रहा है, यस सर बनाते रहे हैं। क्या कर रही हो? सब एक्स को एक तरफ कर लो, एक्स वाले को जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है उस यूज करो, फिर आगे देखो उसको, ठीक है? अच्छा ईशान, दीक्षा यस सर, बन रहा है? यस सर बना रही हूँ सर, ट्राई कर रही हूँ। ठीक है क्षितिज, वहां से सॉल्व कर रहे हैं। सागर हाँ सर बना, अच्छा, शुभम यस सर बना रहे, अच्छा, सनी यस सर बना रहा। ठीक है सर, अभी तक नहीं बना किसी का। चलो 2 मिनट, 1 मिनट और लो, उसके बाद से मैं अप्रोच करूंगा। देखो कर रहे हो क्या, एक्स को एक तरफ कर लो ना, बेस सेम करो, बाकी सबको एक तरफ करो, जो भी हमारे पास पॉसिबल प्रॉपर्टीज है लॉगरिदम की उसको लगाने की कोशिश करो। चलो तो देखो बता रहा हूं मैं, अब देखो log 9 बेस 6 है, अब माइनस log 27 बेस 9 है, और यहां पे साथ में क्या है, प्लस log 4 बेस 6 माइनस में आएगा, इधर क्या हो गया, log x बेस 64 माइनस log x बेस 8। अब सबको देखो जहां पे भी प्राइम, यहाँ पे पावर है, तो ये देखो 3 का पावर 2 है, तो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 log 3 बेस 6 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3/2 log 3 बेस 3 होगा। ये कैसे हुआ समझ में आया? और ये कैसे हुआ समझ में आया? यस सर, ठीक है सर, 1/8 होगा क्या? 1/8 होगा आंसर, ठीक है। चलो अब ये देखो, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 log 2 बेस 6। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, log यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/2 x बेस 8,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बेस एट, ये करेंगे। अब देखो इसमें और जितना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या कर सकते हैं, ये तो तुमको वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा राइट साइड में क्या हो गया, देखो ये पूरा कंप्लीट, ये हाफ है ये कंप्लीट है निगेटिव में, ये माइनस 1/2 लॉग एक्स बेस एट आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू क्या कितना आ रहा है बताओ, ये वैल्यू तुमको क्लियरली दिख रहा है कि माइनस थ्री, ये वन हो गया तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई माइनस 3/2। एक एक करके करेंगे बहुत सिंपल से। अब तुम्हारे पास क्या है कि टू इसको क्या करें, 2 log 3 base 6 और प्लस 2 log 2 base 6। तो अब इसको क्या, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2 कॉमन ले लो और ये क्या हो जाएगा log, ये तो 3 into 2 हो जाएगा, या चलो एक स्टेप और लिख लेते, 3 base 6 प्लस log 2 base 6 और माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 1/2 log x बेस 8, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी थे कि दो अलग अलग log है और वो सम में है, बेस सेम है, तो आर्गुमेंट प्रोडक्ट में आ जाता है, तो 2 log 6 base 6 माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 1/2 log x बेस 8। तो ये कितना वैल्यू दे देगा, 2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, अब माइनस 1/2 log x बेस 8, तो ये हो जाएगा log x बेस 8 कितना हो गया माइनस वन। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का पावर -1, सो ठीक है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं साइन ऑफ लॉगरिथम। साइन, ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा लॉग पॉजिटिव होगा कौन सा लॉग निगेटिव होगा, ठीक है ना। अब लोग तो मैं पूछूं कि ये देखो लॉग 3 base 7 ये पॉजिटिव या निगेटिव है, ठीक है बता पाओगे कोई, हेलो आवाज आ रहा है, चलो शुभम। यस सर आ रहा है। हाँ ये बताओ ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा ठीक है, यही चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम ऐसे बता सकते हैं। अच्छा बताओ शुभम, पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है, जीरो पे, कि कोई नंबर जीरो से बड़ा है या नंबर जीरो से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, यहाँ पे मान लो बेस दिया, कोई भी बेस दिया, और अगर मैं बोलूं ये जो नंबर अगर वन होगा हमेशा, यहाँ पे अगर वन लिखो तो ये हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, और वन से बड़ा रखोगे तो लेट से, अब इसको अब बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं क्योंकि अभी मैं ग्राफ पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये देखो, अगर log 2 log 4 base 2 कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्लियरली दिख रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आती है। अच्छा अगर log 8 base 2 कितना हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा कि इसकी वैल्यू 2 आ रही है और इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ पे देखो अगर ये वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ये हमेशा नहीं होता है, जब a की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है तो इस तरह का सिनेरियो होता है। तो इनइक्वालिटी को अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे, पहले हम लोग साइन देख लेते हैं, और एक टर्म मैं बता रहा हूँ उसको याद टाइप का कर लो, एक्सप्लेन में बाद में कर दूंगा इस चीज को, कि मैं बोलने जा रहा हूँ कि सेम साइड ऑफ यूनिटी, सेम साइड ऑफ यूनिटी तो पॉजिटिव, ठीक है,
एंड अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी ऑफ यूनिटी तो नेगेटिव. और क्या सेम साइड और क्या अपोजिट साइड, तो आर्गुमेंट और बेस की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो सेम साइड और अपोजिट साइड में किसकी बात कर रहा हूं, आर्गुमेंट एंड बेस की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि log 3 बेस 7, ये जो दोनों नंबर है वन से बड़े हैं या वन से छोटे हैं? अरे इतना तो बोलो कोई भी. बड़े हैं सर. हाँ तो बोलो, मतलब इसका तरह क्वेश्चन पूछने का मतलब पार्टिसिपेट करना है. बड़े हैं तो, बड़े हैं तो फिर क्या होगा, ये जो दो नंबर है सेम साइड, तो सेम साइड ऑफ यूनिटी अगर नंबर है तो ये लॉग कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 7 और 1/7, ये दोनों नंबर सेम साइड तो नहीं है, एक नंबर 1 से बड़ा है दूसरा नंबर 1 से छोटा है. तो देखो इसको तुम सॉल्व करना भी चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर सकती हो. ये सॉल्व करना क्या, ये मैंने बताया कि लॉग ए बेस 1/a कितना हो जाता है, -1. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 which is less than 0. यहाँ पे दिख रहा है -1 which is less than 0. तो अगर यहाँ पे वैसे भी तुम दिख रहा है कि ये क्या है, बेस बेस और यूनिटी वो अपोजिट साइड, बेस और आर्गुमेंट वो अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है. अच्छा ये बताओ सनी, बताओ तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? नेगेटिव. पॉजिटिव, सेम साइड ऑफ यूनिटी. हम ये नहीं बोल रहे वन से बड़ा है, दोनों सेम साइड है, मतलब या तो दोनों वन से छोटा है या दोनों वन से बड़ा है. देखो इसको तुम अगर नेगेटिव बोल रहे हो तो तुम देखो ये इसको लिख सकते हो ना log 2 का पावर -1 और इसको लिख सकते हो 3 का पावर -1. तो ये -1/-1 log 2 बेस 3 हो जाएगा, और ये सेम साइड ऑफ यूनिटी दिख रहा है ना, तो log 2 बेस 3 तो पॉजिटिव ही है, इसको ये डिराइव किया गया. ठीक है, तो अगर क्या करना है, आर्गुमेंट एंड बेस, तो इफ आर्गुमेंट लिख लेना, इफ आर्गुमेंट मतलब log के अंदर जो लिखा हुआ है, एंड बेस, एंड बेस बोथ आर सेम साइड ऑफ यूनिटी, सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन क्या हो जाएगा, देन लॉग विल बी पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव. तो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे, आप देखिए और उसका उत्तर दीजिए. फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, बताओ यस सर, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव. सेकंड, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. ठीक है, कोई भी बोल सकता है, कितने लोग हैं, ज्यादा लोग तो नहीं है तो बोल तो कोई भी सकता है, ज्यादा क्योस क्रिएट नहीं होगा. चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है. बोल लो जिसको आंसर आ रहा है बोल दो. लॉग ऑफ 1/5 बेस 1/3 क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. लॉग 4 बेस 3 पॉजिटिव. हाँ थर्ड हो गया, फोर्थ. टू पॉइंट वन वन है और नेक्स्ट चलो यहां तक पहले बता दो.
ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो अब सिक्स सॉल्व करो, सिक्स बताओ, सिक्स में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ रूट, हाँ रूट सेवन क्या होता है, लगभग मतलब थ्री से छोटा होगा, है ना, टू से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें तो तुम बोल सकते हो ये तो नंबर पॉजिटिव लिखा, अब ये बताओ ये तुमको पता चल रहा है कि वन से छोटा है या वन से बड़ा है, क्या है ये नंबर? सर वन से बड़ा होगा, वन और जीरो के बीच में। हाँ तो वन और जीरो के बीच में होगा, मतलब सेम साइड ऑफ यूनिटी कैसे हो पाया ये? सॉरी सर कंफ्यूज हो गए थे बीच में, ठीक है ना। ये देखो रूट सेवन का मतलब क्या हो जाएगा, ये टू पॉइंट समथिंग होगा रूट सेवन ना, टू पॉइंट समथिंग नहीं, हाँ ठीक है, हाँ टू पॉइंट समथिंग माइनस टू, तो ये समथिंग आएगा ना, मतलब फ्रैक्शन आएगा, तो जीरो से वन के बीच में होगा, तो जब जीरो से वन के बीच में होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो अब ये बताना है सिक्स के बाद सेवन, लॉग बेस फोर रूट टू प्लस वन बाई रूट टू माइनस वन, एंड बताइए इसको लग जाइए काम पे, ये एट हो जाएगा, लॉग ऑफ थ्री टू थर्ड रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, एंड नाइन हो जाएगा लॉग नाइन, और टेन हो जाएगा चलिए तो सेवन का कुछ पता चला क्या है, वन से बड़ा है वन से छोटा है? अगर वन पॉजिटिव होना चाहिए शायद, वन से बड़ा आ रहा है, रैशनलाइज कर लो सबसे अच्छा तरीका। सर हम तो मतलब वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करके देखे तो आ रहा है। हाँ तो देखो अप्रोक्सीमेट अगर रैशनलाइज कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, रूट टू माइनस वन और मल्टीप्लाई कर दो रूट टू प्लस वन से, सही है। अब क्या हो जाएगा, ये रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, तो वन, तो बेसिकली तो रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर ही लिखा है ना। अब देखो ये रूट टू प्लस वन तो हमेशा होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन, सॉरी जीरो नहीं, ग्रेटर देन वन होगा, होगा ना, कि जब इसको तुम ओपन करोगे तो क्या आएगा, टू प्लस वन, इवन ग्रेटर देन थ्री होगा ये, लेकिन हमारा काम तो उसी से चल जाएगा, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन वन, तो वन आ गया, तो बेस भी वन से बड़ा है, आर्गुमेंट भी वन से बड़ा हो गया, तो ये जो लॉग होगा तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब आते हैं एट्थ, एट्थ में बताओ नेगेटिव, एट देखते हैं, एट क्या बोल रहा है हमारे पास कि टू इंटू क्यूब रूट ऑफ थ्री, तो लॉग है और बेस क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब थ्री है, तो टू थर्ड रूट, तो ये हो जाएगा टू, ये थ्री का पावर माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा ना, वन बाई थ्री, हाँ हो जाएगा, और ये बेस थ्री, अब ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ थ्री, और ये क्या आ गया टू इंटू ये, अब देखो ये एट का थर्ड रूट आ गया, सॉरी एट का नहीं, वन बाई नाइन का थर्ड रूट, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थ्री का पावर वन में टू इंटू, हाँ चलो थ्री का पावर टू इंटू थ्री का पावर माइनस टू बाई थ्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री का, चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं थ्री का पावर टू बाई थ्री, अब ये क्या हो जाएगा लॉग टू, और ये आ जाएगा नाइन का पावर वन बाई
थ्री, ठीक है, अब बेस थ्री चल रहा है। अब बताओ ये कितना वैल्यू दे रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है टोटल क्या आ रहा है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वन से बड़ा है या वन से छोटा है? तो इसको इस तरह से एनालाइज करेंगे कि अगर ये एट होता तो टू होता, देखो होता ना क्षितिज? हाँ सर। हाँ तो देखो इसका मतलब जो एट, नाइन जो है एट से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू टू से बड़ी है, हम बोल सकते हैं ना डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है टू से बड़ी है। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू टू से बड़ी हो गई तो टू बाई ये दिस जो एक्सप्रेशन हो गया वो वन से छोटा हो गया। तो हम यहाँ पे इस एनालिसिस से ये देख सकते हैं कि टू का बाई नाइन का पावर वन बाई थ्री इज लेस देन वन। तो जब ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ये अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हो गया, सो लॉग ऑफ बेस थ्री टू इन टू थ्री का पावर वन बाई थ्री बाई थ्री ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब नाइन्थ का बात, हाँ सर ये समझ नहीं आया सर। नहीं आया ना, देखो इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ही काम किया, एक्सप्रेशन एक बार फिर से देखने दो, हमने एक ही काम किया, जैसे इसको इसको पता लगाया कि ये जो नंबर है वो वन से बड़ा है या वन से छोटा, बस इतना ही काम किया। तो हमने क्या किया कि देखा कि थ्री को एक तरफ कर एक साथ कर लेते हैं, शायद कुछ एनालाइज कर पाए हम, तो कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा था, थ्री का पावर वन, और यहाँ पे क्या लिखा, थ्री का पावर माइनस वन बाई थ्री। तो इसको जब हम मैंने देखा तो दिखा ये कि टू का पावर टू बाई थ्री का पावर टू बाई थ्री होगा जब ऐड करेंगे तो। यस सर। अब ये हमने जब देखा तो ये देखो इसको ऐसे लिखा है ना कि थ्री का पावर टू उसका पावर वन बाई थ्री, इसको कैसे लिखा है कि बाई टू ये नाइन और उसका पावर वन बाई थ्री, सही है। अब इससे आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो सोचे कि यहाँ पे कुछ एनालाइज करके देखते हैं। तो देख रहे हैं, तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे एट होता अगर तो ये टू निकल के आ जाता, यस सर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एट नहीं है, यहाँ पे क्या नाइन है, तो नाइन है तो जब ये जो चीज निकल के आएगा डेफिनेटली वो टू से बड़ा होगा, कैसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो टू से बड़ा है, एन्यूमरेटर टू है, इफेक्टिवली देखा जाए तो ये नंबर वन से छोटा है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर ए बाई बी में अगर b बड़ा हो तो ये नंबर वन से छोटा हो ही जाता है, yes, sir. ठीक है ना। तो बस हम इस एनालिसिस से ये हिसाब किताब लगा पाए कि जो हमारा नंबर है वो कैसा है, लेस देन वन, लेस देन जीरो है, लेस देन वन, सॉरी सी वन, हाँ ठीक है, मैं भी बोलता हूँ लेस देन जीरो लेकिन चलता है। लॉग ऑफ इसका मतलब a बेस b क्या हो रहा है, आर्गुमेंट और बेस दोनों डिफरेंट हो गए, एक वन से बड़ा हो गया कि बेस थ्री दिया हुआ था और आर्गुमेंट तो थ्री मतलब वन से बड़ा है और आर्गुमेंट वन से छोटा दे दिया, इसका मतलब लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगी। चलो नाइन बताओ सर, पॉजिटिव सर, वो लॉग इनटू लॉग नाइन है ना, लॉग इनटू लॉग नाइन है, लॉग ऑफ ऐसा लिखा हुआ है वो, log बेस 10 log ऑफ 9 बेस 10, मतलब log ऑफ 9 बेस 10 का हमने 10 के बेस पे log निकाला है। तो तुमको ये एनालाइज करना होगा ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है या छोटी, क्योंकि ये तो 1 से बड़ी है, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है या छोटी, देखो 1 रख देते तो क्या आ जाता, 0, और 10 रख दोगे तो 1, 100 रख दोगे तो 2, मतलब वैल्यू बढ़ाते जाओगे इसको तो लॉग की वैल्यू बढ़ती जा रही है अगर बेस 0 1 से बड़ा है तो, ऐसा हो रहा है क्या, हाँ या ना, कोई बोलो क्षितिज, यस सर, ऐसा हो रहा है। तो अब ये देखो ये क्वांटिटी हम मैं बोलू कि वन से छोटा है तो तुम मानोगे इस बात को, ये मैं बोलू कि ये वन से छोटा है मानोगे,
सर हम कंफ्यूज हो गए एक बार. ठीक है अच्छा बताओ log 1 बेस 10 कितना होगा? क्षितिज सर जीरो. तो बोलो लाइन पर रहो. log 10 बेस 10 कितना होगा? 1. तो log ये एक इंट्यूशन वाइज तुम नहीं बोल सकते 9 बेस 10 0 और 1 के बीच में होगा. हाँ सर बोल सकते हैं. हाँ देखो जब हम ग्राफ बता देंगे तो हम इसको इसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. बट व्हाट इज हैपनिंग, एक मिनट रुक जाओ. ठीक है तो ये बोल सकते हो ये क्वांटिटी जो है वो 1 से छोटी है. बोल सकते हैं अब, किसी को दिक्कत है बोलने में कि क्वांटिटी 1 से छोटी है? ठीक है अब देखो ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई तो अब ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा, तो इफेक्टिवली लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. सही है. अब बताओ लास्ट क्वेश्चन 10th. यहाँ पे बेस 10 लिखा है, अब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी? क्षितिज या कोई भी जो बोलना चाहता हो वो बोलो ना, जिसको पता है आंसर पूछ. चलो प्रिया बताओ. सर 1 से छोटी होगी. हाँ छोटी. हाँ तो एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो कैसा होगा ये लॉग? नेगेटिव. नेगेटिव बट तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव है. नहीं नेगेटिव नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ. हाँ नेगेटिव है. ये क्वांटिटी कैसी है तुम्हारे, ये क्वांटिटी कैसी है? ये देखो ये खुद में नेगेटिव दिख रही है क्या? यस सर. है ना कि एक 1 से बड़ा है दूसरा 1 से छोटा है, तो जब ये खुद ही नेगेटिव दिख रही है तो लॉग का आर्गुमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो ये जो लॉग है खुद ही एक लॉग के अंदर है और जो नेगेटिव हो जा रहा है, तो यहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. बात समझ गए? चलिए तो आगे अब हम लोग क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा उसको कवर कर सकते हैं ना, कौन सा लॉग पॉजिटिव है कौन सा लॉग नेगेटिव है. चलिए ठीक है अब ऐसे ही बेसिक एक क्वेश्चन करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो बताइए ए की वैल्यू जो दी हुई है वो ये दी हुई है लॉग, थोड़ा ढंग से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, 2√2 थोड़ा टाइम लेके 8 का पावर 3. ठीक है और बी दिया हुआ है 5 का पावर log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5 और सी दिया है log 64 प्लस log 9 log 9 by 2 log 64. ठीक है और d दिया हुआ है, ठीक है 2 log 2 का पावर log 30 बेस 2 माइनस 1. तो आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई d. थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, एक बार मैं क्वेश्चन करेक्ट करते चलता हूं. ए दिया है यही चीज, ठीक है बी दिया हुआ है
अच्छा देखो कहीं कभी क्वेश्चन में आता है, सुनते अभी एक बार सुन लो, यहाँ लॉग कुछ नहीं लिखा रहता है, कोई बेस नहीं लिखा रहता है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में लॉग का बेस नहीं लिखा है ना, तुम कोई भी बेस ले सकते हो वहां पे। बट इन जनरल अब अलजेब्रिक बात हो रही होती है ना, तो लॉग अगर सिंपली लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, प्री एज्यूम्ड क्या माना जाएगा, 10। लॉग क्या बेस कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या माना जाएगा, 10। और अगर ऐसे लिखा है ln, जैसे कभी कभी लॉग को ऐसे लिख देते हैं ln x, तो इस ln लिखा इसका मतलब लिखा क्या है, log x, और इसका बेस जो लिया है वो एक इरेशनल नंबर e लिया है। ठीक है, चलो अभी वैल्यू की बात करेंगे, लॉग एंटी लॉग करेंगे तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर, ये डी का वैल्यू एक बार क्या है बताएंगे अच्छे से? डी है 3 का पावर 2 का पावर, डी है ऐसा 2 का पावर log 30 base 2 minus 1। ठीक है, यस सर। दीक्षा सर, रही हो? यस सर, बना रही हूँ सर। ठीक है, सागर यस सर। बना रहे हो? हाँ तुम्हारे स्कूल से इस बार 100 में 100 आया है, पता है ना तुमको, मैथ्स में। तुम चिन में हो, मैं हो ना, किसका? तुम किस में हो, चिन में, मैं अयप्पा में। अयप्पा में। हाँ तो ज्योत्सना का है मैथ्स में। हाँ हम भी लेंगे। चलाओगे? अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस आ जाएगा। इधर थोड़ा अच्छे से पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखना सीख लो। हाँ सनी तुम जीजीपीएस में हो ना? हाँ सर। चलो चलो एक एक करके ABCD की वैल्यू निकालते हैं। क्षितिज नहीं हो पाया अभी? सबको सर इंडिविजुअली सिंपलीफाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी साथ में करता चलता हूँ। देख लो जो, तो सबसे फर्स्ट ए क्या दिया है, ए की वैल्यू, एक मिनट, ए की वैल्यू दी हुई है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, log x स्क्वायर बेस a और log x बेस a का स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट है, तो याद रख, देख लेना। ठीक है ना, इसको तुम चाहो तो 2 log x बेस a mod x बेस a लिख सकते हो, बट इसके साथ ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो तो यहाँ पे a दिया हुआ है हमारे पास कि log of 8
8 को हम लोग देखो ना, 8 को तुम लोग क्यूब के तरह देखना चाहो तो 2 रूट 2 का क्यूब तुम देखना पसंद करो, स्क्वायर 2 रूट 2 का, सॉरी 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 स्क्वायर, हाँ 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो इस और ये क्या हो जाएगा, या क्यूब के फॉर्म में देखो तो क्या दिखेगा, किसका क्यूब दिखेगा, अगर तुम क्यूब के फॉर्म में देखो तो 2 का क्यूब है। सही, इसमें तो इतने सोचने वाली बात क्या है, ये 2 का क्यूब है। अच्छा चलो पहले बेस को देखते हैं, बेस क्या है हमारा 2 रूट 2, तो इसको रूट 2 का पावर 3 लिख दिया, ये तो सही है 2 रूट 2 को। और 8 को लिखा क्या, तो 2 का पावर 3, और यहां पे हमारा क्यूब चल ही रहा है। क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं लॉग, इसको रूट 2 का पावर वो लिख सकते हैं 6, और यहां पे रूट 2 का पावर 3, इसका पावर 3। अब ये देखो यहां से 6 न्यूमरेटर में आएगा, 3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 6/3 का पावर 3, ये 2 का पावर 3 तो मतलब 8, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अच्छा अब बी का वैल्यू आया, किसी का, कितने लोग आया था, एक हैंड रेज करके बताना। सो ए का वैल्यू, हाँ 8, ठीक है सही है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बी, बी क्या दिया हमारे पास, 5 का पावर log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5। अब पावर में एड में है तो वो अलग अलग होके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई सागर, 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। अब ए बी निकल गया, सी निकाल लो, क्या है सी हमारे पास, तो सी दिया है log 64 log 9 by 2 log 64, log 64 प्लस log 9 बाई 2 log 64। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, ऊपर में सम में है तो हम क्या आ जाएगा, सम किस में कन्वर्ट होता है, सम मल्टीप्लिकेशन में, हाँ तो ये क्या लिखा है log 64 into 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बाकी यहाँ पे, यहाँ पे इसको डिवीजन, तो अगर एडिशन रहे नहीं, अगर ये ऐसा रहता है एम प्रोडक्ट रहता है तो एडिशन में ब्रेक हो जाता है, तो हमने इसको कर दिया, इसके साथ क्या हो जाएगा 2 log 64, तो क्या आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, एक मिनट 64 नहीं है इसका, किसी ने निकाला क्या आंसर, ये इसका 64 दिया है या कुछ और दिया है, 64 ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, 64 में नहीं निकल पाएगा, मैंने गलत मैंने लिखा है, ये होगा 24 भाई, 6 निकल ही नहीं पाता, तो ये हो जाएगा 24। और ये हो जाएगा 24। चलो आगे करो, इसका वैल्यू बताओ, नहीं आया जी वैल्यू इसका, एक एक करके पूछना पड़ेगा सर, 1 हो गया, हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो,
ठीक है, ये देखो वन कितने लोगों को लग रहा है सर? ऊपर भी 64 होगा, मतलब ऊपर भी 24 नहीं होगा, सिर्फ नीचे होगा। नहीं, एक ही जगह डिनोमिनेटर में चेंज किया ना, ऊपर 64 तो होगा ही होगा। हाँ, तब तो सर फिर वन हो गया। हाँ वन होगा, ठीक है चलो। तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करो तो इसमें 576 ये भी आ जा रहा है क्या, कितना आ रहा है? ठीक है, और ये भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 576, तो ये कट होके कितना आ जाएगा? 1। अब हमने किसका वैल्यू निकाल दिया? सी का निकाल दिया, डी का तो सर, हाँ सर वो सर सी का वैल्यू कैसे निकला सर, समझ नहीं आया सर। अरे अच्छा एक मिनट, क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सर, बस मल्टीप्लाई करना है सर। हाँ, और ये 5 4 7 5 6 1, ठीक है 576 ठीक तो है। चलो ये 64 इंटू 9 करो, और ये भी तो ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो। चलो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ मैं, रुक जाओ बस। यस सर, समझ गई सर, समझ गए ना? तो ये 4 576 आएगा, वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट डी है, तो ये तो 2 का पावर ये दिया है लॉग 30 बेस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर लॉग 30 बेस 2 बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 30 बाई 2 मतलब 15। सो तुमको बताना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, बताओ आंसर बताओ। सर 1। 1 नहीं, लास्ट में गलती कर दी है, 211 बाई 15, दिस इज द आंसर। बॉडमॉस रूल होता है, डिवीजन पहले करते हैं ठीक है, उसके बाद एडिशन करते हैं। तो वैसे करो, पहले डिवीजन करो 1 और 15, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो गया? ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 8। बी का वैल्यू कितना निकाला था? 6। सी का वैल्यू कितना निकाला था? 1। और डी का वैल्यू कितना निकाला था? 15। तो ये वैल्यू तो निकल के आ गई 1 बाई 15, तो 14 प्लस 1 बाई 15 सही है। चलो अच्छा सर, मतलब यहाँ डिवाइड साइन का भी मतलब ऐसा फर्क पड़ता है? हाँ हमेशा, अगर कुछ भी रहे, जैसे अगर तुमको लिखा जाए 2 प्लस 3 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका वैल्यू कितना है? 14। 20 तो नहीं ना? नहीं सर, बॉड मास के हिसाब से नहीं। नहीं, बॉड मास मतलब जो मैथमेटिकल रूल है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होगा, तो वही है, पहले डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान से बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ कुछ बोल रहे थे सर, डेटा वैल्यू में 2 से डिवाइड क्यों किया, बता दीजिए मैं। किसकी वैल्यू में? डेटा वैल्यू निकाले तो। हाँ, उसे डिवाइड क्यों? ये देखो शुभम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ठीक है सर, डेटा पूछा डी। अच्छा ओ चलो, तो फिर भी इसमें तो दिक्कत ही नहीं था मुझसे। तो log of 576 divided by log 576, that is 1, ठीक है। ये देखो ना, ये किया ना, a का पावर m माइनस 1 हो जाएगा, तो a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर 1 होगा ना, तो वो 1 पावर में है। हाँ ऐसा है, देखो क्वेश्चन में ऐसे ही लिख, क्या तुम लोग इसको इस तरह से समझ पा रहे थे क्या? यहाँ पे जैसे देखो, ये भी वैसा ही है ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन है इस, यहाँ तक और किसी को डाउट? सर मुझे सर ये रूट वाला सर समझ नहीं आया सर, ए का वैल्यू कैसे निकला सर? कौन सा ए का? यस सर। अच्छा ये होगा,
ये देखो ए का फिर से मैं निकाल देता हूँ, अब इस बार होप सो तुम समझ जाओगे। लॉग 8/2√2 बेस का, हाँ देखो लॉग 8/2√2, ठीक है। ये क्यूब है, इसको छोड़ते हैं भाई क्यूब, पहले देखते हैं। अब ये देखो हमने क्या किया ना, पहले देखा कि ये 2 का क्यूब है, पहले जितना बेसिक जा सकते थे 2 का क्यूब हो गया, और ये कितना हो गया 2√2 हो गया, ठीक है, कब 3। अब 2√2 को ना एक साथ करने की कोशिश करते हैं, 2 के पावर में करने की कोशिश करते हैं। तो 2 के पावर में करो तो क्या आ जाएगा, लॉग 2 का पावर 3, और ये देखो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1/2, तो 2 का पावर 3/2 हो गया, पावर थ्री। अब होता है ना कि ये अगर पावर में रहे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये चीज यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऐसा होता है। तो ये 3/3/2 हो गया, log 2/2 हो गया, है ना, और log 2/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये इफेक्टिवली 2 का पावर 3 हो गया, 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। समझ गए? ठीक है, तो देखो अभी तक जितना हो रहा है उतना समझते चलो, कॉपी में जो नोट्स बनते जा रहा है उसको पढ़ते चलो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करते चलोगे तो अभी जो हम लॉग कंप्लीट कर ले रहे हैं ना थ्योरी वाइज, तुमको दोबारा कभी लॉग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इतना थ्योरेटिकली हम स्ट्रांग हो गए तो। क्लियर है ना? चले अब आते हैं, प्रिया समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तक जिसका भी जहां तक किसी को नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना तुरंत, ठीक है। चलो ईशान, हाँ बोलो क्षितिज, कुछ बोल रहे थे? ऐसा नहीं सर, वो हम हैंड अपने डाउन करना भूल गए। अच्छा, ठीक है चलो। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, अभी हम चार ऑप्शन दे रहे हैं आपको, स्मॉलेस्ट बताना है। log π/10, दूसरा log π²/10 का रूट, और log 1 मिनट 1/log π/10 का क्यूब, और चौथा है 1/log√π/10। इन चारों में इसको मैं अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं और इसको डी बोल रहा हूं, तो सबसे छोटा कौन है, ए बी सी या डी? देखो सबसे फर्स्ट लॉग ए तो सिंपल दिया हुआ है, ए क्या है हमारा, log π/10। इस पे इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं तो ये पता चल रहा है कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव या निगेटिव? log π/10 कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अच्छा ये बता सकते हो क्या ये 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? देखो 10 होता ना, पाई की जगह 10 होता तो 1 होता है ना, log 10/10 1 होता है। अगर 11 होता तो 1 से बड़ा होता, अगर 9 होता तो 1 से छोटा होता, सही है। तो हम किस पे देख रहे हैं, पाई मतलब 3, यानी 10, 1 और 10 के बीच में, 1 पे 0 हो जाता है, 1 और 10 के बीच में है, तो 1 और 10 के बीच में क्या होगा, 1 से छोटा। देखो log(a)/b, ठीक है ना, अगर तुम a बराबर b रख लो तो 1 आ जाएगा, अगर a की वैल्यू b से छोटी है, ठीक है, तो वो ये पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, और a की वैल्यू b से बड़ी है तो पूरी क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे पाई, पहले तो a हमने देखा कुछ सिंप्लीफाई करके, अब देखो यहाँ पे अगर किया हमने
तो ये जीरो और वन के बीच का नंबर है ना? और ये वैल्यू तुम देखो तो यहां पे क्या लिखा है, लॉग पाई स्क्वायर, लॉग ऑफ, एक मिनट, लॉग ऑफ पाई स्क्वायर ही है ना? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे रूट टू इंटू रूट अंडर लॉग पाई बेस 10। इस बी को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना क्षितिज, यस सर, लिख सकते हैं? अब ये बताओ, जब ऐसा कर सकते हैं, अब इतने में और इतने में, पहले रूट टू को छोड़ दे रहा हूं, इन दोनों में जो इसमें और इसमें, पहला वाला बड़ा है या दूसरा वाला बड़ा है? पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। हाँ, देखो जब भी नंबर जीरो और वन के बीच में होता है ना, तो उसका रूट निकालो तो उस नंबर से बड़ा आता है, सही है? तो इसलिए ये बड़ा है, इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ए और बी में कौन बड़ा है? ए और बी में बी बी बड़ा है, ठीक है? अब देखो सी के बारे में देखते हैं, तो सी के बारे में देखो तो 1/π/10, तो जीरो से वन के बीच में है ये जो नंबर, तो ये नंबर आ जाएगा, ये तो जीरो से वन बाई जीरो से वन के बीच का कोई नंबर तो वन से बड़ा होगा, ठीक है? तो ये जो नंबर है ये उसका क्यूब कर रहा है, ठीक है? और जब इसका क्यूब कर रहा है, और ये जो नंबर है वो 1 बाई है लेकिन 1/2 के साथ है, तब ये एनालाइज करके चारों को बताओ, तो π/10 को कुछ नंबर मान के एनालाइज करके बताओ कि इसमें से सबसे छोटा कौन आ रहा है। पाई बेस 10 को ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो जो 0 से 1 के बीच है, और फिर बताओ, सिंपल एनालिसिस करके बताओ बस, सर क्या पूछा, नहीं समझे। इन चारों में से कौन छोटा है, बस यही बताना, सबसे छोटा। जैसे मैं अच्छा एनालिसिस कर रहा हूँ ना, अभी तो दो एनालिसिस किया, इसी तरीके। सर हाँ, ए तुम पक्का श्योर हो गए? यस सर, लग रहा है सर। चलो बताओ, डी ए से छोटा क्यों है, माने डी ए से बड़ा क्यों है, बस इतना बता दो। हाँ, सर डी ए से बड़ा क्यों है सर? हाँ सर इसको, सर इसका जो वैल्यू आएगा वो log 10 base √π आएगा, हाँ और सर जो आर्गुमेंट है वो 0 से, मतलब सर अच्छा रुक बड़ा जाओ, है ये सर। बोलना चाह रहे हो क्या तुम? देखो ये सर, जैसे अगर बताना, तुम यही बोलना चाह रहे, ईमानदारी से बोलना, ये हो जाएगा 1/2 log π/10, ठीक है? डी तो ये 2 हो गया log पाई बेस 10, ऐसा हो गया ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यस अब पाई बेस 10 जीरो से वन के बीच का नंबर है, तो 1/π/10 वन से बड़ा नंबर होगा, यस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वन, मतलब बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है? और यहाँ पे log π/10 जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो फिर ऑब्वियसली 2 से ये बड़ा, 2 से बड़ा नंबर आ रहा है, 0 से 1 के बीच का नंबर है तो ये बड़ा है, यही बताना चाह रहे थे। यस सर, सर पिछली क्लास में आप बताए थे ऐसे ही सर। ठीक है, चलो चलो, अब तो इसमें से हो गया, और कोई बता सकते, और किसी को कुछ दिक्कत होगा रहा है इसमें, बताऊं चारों को करके या खुद कर लोगे आप? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल आप लोग ही करें आज, क्वेश्चन क्वेश्चन ही ज्यादा हो गया, पर लेकिन जरूरी था ये सब डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। लॉग ऑफ π/5 इक्वल्स टू ए, और लॉग ऑफ q/2 इक्वल्स टू ए, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है p^4 q^4 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 100^2a-1।
आसान क्वेश्चन है। ईशान अच्छा, सनी प्रूफ यस सर, हो गया प्रूफ। हो गया। और क्या स्कूल स्कूल चल रहा है सनी? हाँ ऑनलाइन क्लास। अच्छा मजा आ रहा है, तुमको तो मजा आ रहा होगा ऑनलाइन में, है कि नहीं सनी? ऐसा कह रहे तुमको ऐसे भी बात नहीं करना होता था। कहाँ बात करते क्या बात करेंगे, वही तो मैं बोलता। थे? हाँ एकदम चुपचाप रहते, तो वैसे भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो मन कर रहा है ऑफलाइन क्लास करने का? हाँ बहुत अच्छा दिन हो गया ना। दीक्षा, कौन सा अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? कोचिंग के लिए ऑनलाइन सही है, स्कूल के लिए ऑफलाइन। अरे ये तो उल्टा भी बोल रहे, कोचिंग में तो भले ऑनलाइन भी पढ़ाई हो जाएगा, स्कूल में असली क्यों जाया जाता है? सर स्कूल में सर इंटरेक्शन होता है सर, दो तीन फ्रेंड्स हाँ मतलब हम फ्रेंड्स दोस्त रहते के हैं, तो बस ऑफलाइन यही। पसंद है सर। सर हाँ स्कूल तो ऑफलाइन ही होना चाहिए एकदम, मतलब मन कोचिंग ऑनलाइन होनी चाहिए सर। नहीं तो हम दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं, मैं स्कूल ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो सही है, स्कूल में मजा भी तो आता है ना, काफी मजा आता है। वैसे कोई भी क्लास हो, कोचिंग में नहीं मजा आता है? कोचिंग में तो भी मजा आता सब शांत रहते हैं और सर कोचिंग में आने जाने में सर 2 आवर वेस्ट हो जाता है। है। अच्छा तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। और क्षितिज यस सर, कौन सा मजा आ रहा है तुमको, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो ऑफलाइन ही बेटर लगता है। क्वेश्चन इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये एक इसका ड्रॉबैक आता है, और हम भी हाँ आसानी सर, से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब टाइम गैप के वाइज ज्यादा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, ऑनलाइन सिलेबस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा हमको कंपेयर टू। प्रिया प्रिया सो गई लग रहा है, नहीं? नहीं सर क्वेश्चन बना रहे। अच्छा कौन सा अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन करना या ऑनलाइन कोचिंग में? सर ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छा लगता था, पता नहीं स्कूल में तो ऑनलाइन में ज्यादा तेज पढ़ा रहा है, पता नहीं हम लोग का तो बहुत ज्यादा अच्छा से मतलब सिलेबस खत्म हो जा रहा है इतना जल्दी जल्दी। नहीं तो ऑनलाइन में पता नहीं, हम लोगों को तो थोड़ा टाइम लगता है, हम लोगों ने जो हमारा टाइम फ्रेम था क्लास का सबको बढ़ा दिया हमने, क्योंकि ऑनलाइन में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए वही है। चलो क्या करोगे, वैक्सीन्स का प्रे करो सब कोई, ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए। सेकेंड फेज तो हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो ये है जल्दी से आ जाए फिर हम लोग बाहर निकले क्लास सर करें। इंडिया भी ट्राई कर रहा है ना सर। हाँ 15 अगस्त से उसका ट्रायल स्टार्ट है, यस देखो रसिया में भी ह्यूमन ट्रायल फर्स्ट फेज हो गया है, चारों तरफ हो रहा है, देखो कहीं से हो जाए। बेसिकली देखो क्या होता है, बताओ क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया तो बहुत आसान सा था, लॉग पी बेस 5 इक्वल्स टू ए, सो पी कितना हो जाएगा 5 का पावर ए, और लॉग क्यू बेस 2 इक्वल्स टू ए, सो क्यू हो जाएगा 2 का पावर ए, सो पी का पावर 4 कितना हो जाएगा 5 का पावर 4 ए, और क्यू का पावर 4 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 2 का पावर 4 ए, सो पी क्यू पी का पावर 4 इंटू क्यू का पावर 4/100 क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 ए इंटू 2 का पावर 4 ए डिवाइडेड बाई 100, सो ये 10 का पावर 4 ए डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर, क्या लिख सकते हैं, 4 ए माइनस 2। अब इसको लिख देते हैं 100 का पावर 1/2, और क्योंकि 100 लाना है, अब 4 ए माइनस 2, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 का पावर 2 ए माइनस 1। ठीक है तो अभी क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन
कुछ काम है मुझे, तो मैं क्लास को थोड़ा सा पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है? और आप लोग चाहो तो आपस में कुछ बात कर सकते हो, करना है तो। और आप लोग को एक होमवर्क का शीट मिला है क्या लॉग से, लॉग वाला? नहीं, कोई बताओ, कंफर्म करो, लॉग का मॉड्यूल मिला है? नहीं मिला। ठीक है, मैं मेगा एग्जाम्स पे एक असाइनमेंट बना दे रहा हूँ आज रात में, वो लाइव बताएगा आज रात में, ठीक है? तो मेगा एग्जाम्स में डीपीपी में, डीपीपी सेक्शन में आपको जाना होगा, डीपीपी सेक्शन में जाके 10th एरेट में जाना होगा। 10th एरेट में अभी बेसिक इनइक्वालिटी का दो असाइनमेंट होगा आपके पास, देख लीजिए उसको, कभी टाइम मिले तो सॉल्व कर लेना। डीपीपी सेक्शन जाके 10th एरेट में जाके, अभी मैं लॉग का भी एक कर देता हूँ उसको लाइव, तो उस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना होगा हमको, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी का आगे देखेंगे। तो बता, पहले बात कर लेते हैं एक एक। ईशान, ईशान नहीं बोलेगा आज? अच्छा, प्रिया? यस सर। अभी तक कोई डाउट आज के क्लास में? नहीं सर, अभी तक नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ाई हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, दीक्षा आज की क्लास में कोई डाउट? यस सर, एक डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो। सर लॉग सर बेस 10 है उसका सर, जो सर डजंट एग्जिस्ट बताए थे वो समझ नहीं आया सर। देखो ऐसे था ना, लॉग 10 ये 0.5 डजंट एग्जिस्ट। हाँ तो ये बताओ, ये जो ये लॉग, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ तुम फोकस करो इस पार्ट पे, ठीक है? अब बताओ मुझे कि क्या ये नंबर पॉजिटिव जो अभी कलर किया है, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव है। नेगेटिव है ना? अब इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग ऑफ है नेगेटिव लिखा है ना, लॉग ऑफ है नेगेटिव। तो लॉग ऑफ नेगेटिव जो होता है एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर, है ना? तो इसी वजह से मैंने बोल दिया कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, क्षितिज? यस सर। आज की क्लास में कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा चलो, और शुभम? शुभम नो सर। नहीं ना, चलो तो और कोई बचा? सनी? सनी नो सर। चलो तो एक दो क्वेश्चन ले लो, उसको थोड़ा सा घर पे कर लेना अभी अभी खत्म होने के बाद। ये है x equals to, next question, 2 का पावर रूट 5 into 5 का पावर रूट 2 और log x बेस 10 जो है वो रूट a माइनस रूट b है। रूट ए इंटू रूट बी, पूरा नहीं, इतना के साथ और है, रूट ए इंटू रूट बी प्लस लॉग टू बेस 10 इंटू प्लस रूट बी। देखो एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी इंटू लॉग टू बेस 10 प्लस रूट बी, सही है? देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है? तो फर्स्ट 7 दिया है ऑप्शन, बी दिया है 9, सी दिया है 11 और डी दिया है 13, ठीक है? और एक क्वेश्चन इसमें से आपका आंसर होगा, एक क्वेश्चन और ले लो कि लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू 2, लॉग सी बेस बी equals to 2 और and log 3 log c base 3 equals to 3 plus log a base 3, then a plus b plus c क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 90 B 93, C 102 and D 243.
log b base 8 2 है, log c base भी 2 है, log 3 base, log c base 3 जो है 3 plus log a base 3 है, तो a plus b plus c की वैल्यू बतानी है, क्लियर है? चलिए फिर, तो फिर इसको कीजिएगा, मीटिंग में एंड करता हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट.